कॉलेज इज द बेस्ट प्लेस टू वर्क ऑन योर फैशन, क्योंकि अब आपको डेली स्कूल ड्रेस नहीं पहननी है, यू कैन एक्चुअली वेयर द क्लोथ्स दैट यू लाइक एंड कॉलेज मींस गर्ल्स राइट, अगर आप सिविल या मैकेनिकल ब्रांच में नहीं है। और जब मैं कॉलेज में था मुझे फैशन के बारे में ज्यादा नहीं पता था और मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा फैशन के बारे में सीखने के लिए, एंड सीखते सीखते बीटेक ही खत्म हो गई। बट आई डोंट वॉन्ट दैट फॉर यू गाइज, आई वॉन्ट कि जब ये कोविड खत्म हो और आप कॉलेज जाएं तो यू शुड बी लुकिंग योर अल्टीमेट सेल्फ। इस वीडियो में हम शूज, शर्ट्स, एक्सेसरीज, बैग्स, टी शर्ट सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन, आपको सुपर एक्सपेंसिव और ट्रेंडी चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि वो ट्रेंडी चीजें आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ेंगी और वो कुछ टाइम बाद आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जूता लेते हो जो भी एक ट्रेंड में है, बट आज से 3 महीने बाद आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगा और आपने 4-5 हजार जूते में लगा दिए, सो नाउ यू आर लेफ्ट विद शूज जो 4-5 हजार का है, जो आउट ऑफ ट्रेंड है और आपके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है टू इन्वेस्ट इन अदर क्लोथिंग पीसेस। नंबर टू, अवॉइड ग्राफिक टी शर्ट्स। आपको रोज ग्राफिक टी शर्ट्स नहीं पहननी, आप वंस इन अ व्हाइल ग्राफिक टी शर्ट्स पहन सकते हैं बट नॉट एवरी डे, क्योंकि कॉलेज में सभी लोग ग्राफिक टी शर्ट पहनते हैं और आपको ज्यादा पोलो प्लेन टी शर्ट्स में इन्वेस्ट करना है क्योंकि वो ज्यादा वर्सेटाइल होंगी। अगर आप एक ग्राफिक टी शर्ट में इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप उसे इजिली लेयर कर पाएंगे, अगर आप उसे रिपीट करेंगे तो एनीबडी कैन इजिली टेल कि आप सेम टी शर्ट रिपीट कर रहे हैं। डू नॉट वेयर द सेम थिंग्स जो आपके फ्रेंड पहन रहे हैं जस्ट टू फिट इन। आपको अपना स्टाइल डेवलप करना है, आपको डिफरेंट चीजें पहननी होगी। अगर आपने यहाँ पे भी स्कूल की तरह यूनिफॉर्म बना ली तो आप फिर से क्राउड का हिस्सा हो जाएंगे, यू विल नॉट स्टैंड आउट। आपको स्टैंड आउट करना है, आपको ऐसे कपड़े पहनने जो आपको लोगों से डिफरेंट लगवाए, आपका अपना फैशन डिफाइन करे। तो आपको प्लेन टी शर्ट्स में इन्वेस्ट करना है जिनको आप इजीली लेयर कर पाएंगे, इजीली मिक्स एंड मैच कर पाएंगे और जो एक्चुअली में ज्यादा वर्सेटाइल होंगी। आपको प्लेन टी शर्ट्स अराउंड 400 से 500 रुपीस की मिल जाएंगी। मैं कुछ अच्छी ब्रांड्स का नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा जिनको आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आप प्लेन टी शर्ट्स लेना चाहते हैं। अपार्ट फ्रॉम टी शर्ट, दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप शर्ट्स में भी इन्वेस्ट करना शुरू करें। आप चेक शर्ट्स, प्लेन शर्ट्स या फिर क्यूबन कॉलर शर्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट विल हेल्प यू स्टैंड आउट जबकि बाकी लोग टी शर्ट्स पहन रहे होंगे। और आपको पोलोस भी जरूर ट्राई करने हैं, क्योंकि अगर आप पोलोस को चीनोस के साथ पेयर करेंगे यू लुक अ मिलियन बक्स एंड इट्स अ ग्रेट सेमी कैजुअल आउटफिट। नंबर थ्री, शूज। अगर आप कॉलेज में जींस के साथ स्पोर्ट शूज, फ्लिप फ्लॉप्स या क्रॉक्स पहनते हैं, देन यू कंप्लेन कि गर्ल्स आपको नोटिस नहीं करती हैं, देन यू नो द आंसर। शूज आर द फर्स्ट थिंग जो लड़के आप में नोटिस करती है और आप ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन नहीं देना चाहेंगे। डेली शूज के लिए आपको स्केट शूज ट्राई करने हैं। स्केट शूज वो होते हैं जो जनरली ऊपर से कैनवस के होते हैं और उनका सोल थिक होता है, जैसे कि कन्वर्स या वैंस। और ये शूज आज से 70 साल पहले भी ट्रेंड में थे, आज भी ट्रेंड में और ये फ्यूचर में भी ट्रेंड में रहने वाले हैं। और ये शूज पहले तो चीप होते हैं तो आप इनके एक से ज्यादा पेयर्स खरीद सकते हैं। ये डिफरेंट कलर वेरिएशन और डिफरेंट डिजाइन वेरिएशन में होते हैं, तो यू कैन एक्चुअली ट्राई डिफरेंट वेरिएशंस, कौन सा आपके ज्यादा सूट करता है और आप कौन सा ज्यादा पसंद करते हैं, रेदर देन बाइंग वन शू जिसको आप रोज रिपीट करें जो बहुत ज्यादा महंगा हो, एंड दे आर कंफर्टेबल टू। ये तो बात हो गई आपके एवरीडे शूज की, बट अब हम बात करेंगे आपके स्टैंड आउट शूज की, वो शूज जो आप जब पहनते हैं जब आप एक्स्ट्रा स्टाइलिश, ज्यादा सेक्सी और ज्यादा हैंडसम दिखना चाहते हैं। और मैं आपको हमेशा यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्टैंड आउट शूज के लिए बूट्स प्रेफर करें, या तो वो आपके हैवी ड्यूटी बूट्स हो सकते हैं या चेल्सी बूट्स। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं देन यू नो हाउ मच आई लव माय चेल्सी बूट्स। बाय द वे, अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते तो दिस इज माय हैंडल, डू चेक इट आउट। द रीजन आई रिकमेंड आपको स्टैंड आउट शूज के लिए बूट्स पहनने चाहिए क्योंकि ज्यादा लड़के बूट्स ट्राई नहीं करते, दे थिंक उन पे बूट सूट नहीं करेंगे, बट वंस यू ट्राई बूट्स यू विल नेवर गो बैक, यू विल फॉल इन लव विद देम। तो यू शुड स्टार्ट वेयरिंग बूट्स। आपको जब भी लगे आपको अपने स्टाइल को स्टेप अप करने की जरूरत है, देयर इज अ पार्टी और देयर इज एनी फंक्शन, गो वेयर बूट्स, आपको कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलेंगे। नंबर फोर, एक्सेसरीज। या तो लड़के कॉलेज में एक्सेसरीज बिल्कुल नहीं पहनते हैं या वो बहुत ज्यादा एक्सेसरीज पहनते हैं, और आपको दोनों गलतियां नहीं करनी है। एक्सेसरी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपने स्टाइल गेम को ऊपर करने के लिए, तो आपको उसे मिस नहीं करना है और आपको उसे ओवर डू भी नहीं करना है कि आप टीचर्स की नजर में आ जाए और टीचर्स आपको लफंगा लफंडर समझे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्टार्ट करें एक वॉच से और उसके बाद आप और चीजें ऐड कर सकते हैं अगर आपको लगता है आपको ऐड करनी है। एंड वॉच इज अ ग्रेट वे जिससे लोगों को लगेगा आप ज्यादा पंचुअल हैं और आप अटेंशन टू डिटेल देते हैं। नंबर फोर, जींस। जींस के लिए आपको अपने बेसिक से शुरू करना है। आपको एक बेसिक ब्लैक और एक बेसिक ब्लू जींस में इन्वेस्ट करना है जो आपके 90% आउटफिट के साथ काम कर जाएगी, बट ज्यादातर लड़के यहीं रुक जाते हैं, दे जस्ट बाय अ ब्लैक एंड अ ब्लू जींस एंड दे जस्ट स्टॉप। आपको उनकी तरह नहीं करना है, आपको चीनोज में भी इन्वेस्ट करना है क्योंकि चीनोज कैन बी अ रियली गुड स्टैंडर्ड पीस टू स्टाइल अप योर फैशन गेम। आपके प्रैक्टिकल्स और फॉर्मल डेज के लिए चीनोज आर अ ग्रेट ऑप्शन जब आप जींस नहीं पहन सकते। जब आपको फॉर्मल्स पहनने हैं, एटलीस्ट सेमी फॉर्मल्स पहनने हैं, आप चीनोज को अपनी पोलोस के साथ या फिर अपनी शर्ट्स के साथ पेयर कर सकते हैं, दे विल लुक एक्चुअली गुड। आप पोलो और चीनोज को अपने नॉर्मल डेज में भी पहन सकते हैं और वो आपके स्टाइल गेम को डिफरेंट लोगों से अलग लगवाएगी। जब ज्यादातर लोग बचकानी चीजें पहन रहे हैं, आप थोड़ा सेमी फॉर्मल कुछ डिफरेंट पहन सकते हैं वंस इन अ वाइल। नंबर फाइव, आपका बैग। आपका बैग भी आपकी एक्सेसरीज का ही पार्ट है। अगर आपने इससे पहले की सारी टिप्स फॉलो किए और आपके आउटफिट्स एकदम शार्प लग रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका बैग भी अच्छा लगे। अगर आपका बैग डर्टी है या बल्की लग रहा है, देन इट विल किल योर स्टाइल गेम।
आपका बैग लेदर, फॉक्स लेदर, कैनवस किसी भी मटेरियल का हो सकता है, बट मेक श्योर वो एलिगेंट लुकिंग और स्लीक हो और आपके ज्यादातर आउटफिट्स के साथ काम कर जाए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे बैकपैक्स के एग्जांपल डाल दूंगा, या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं उस पर एक डिफरेंट वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अनदर रियली इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू गाइज इज ट्राई डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, क्योंकि आप स्कूल में डिफरेंट हेयर स्टाइल्स ट्राई नहीं कर सकते थे, बट इन कॉलेज यू कैन एक्चुअली ट्राई डिफरेंट हेयर स्टाइल्स। आप डिफरेंट हेयर स्टाइल्स, डिफरेंट हेयर प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट वर्क करता है। अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सा हेयर स्टाइल ट्राई करना चाहिए तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप अपनी फेस शेप को कैसे ढूंढें और उस फेस शेप के हिसाब से आप डिफरेंट हेयर स्टाइल्स कैसे ट्राई कर सकते हैं। तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस डू चेक आउट द प्रीवियस वीडियो। आई ऑलवेज ट्राई की वीडियो शॉर्ट और इन्फॉर्मेटिव हो, तो अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।